ओके गाइस, सो अब इस सीरीज में फिर से आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट मॉडल, देखो ये सामने हमारे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और क्योंकि अभी हम क्लस्टरिंग की बात कर रहे हैं तो क्लस्टरिंग में एक और होता है जिसको हम कहते हैं डीबी स्कैन। ठीक है, एक नया एल्गोरिदम है, भी बहुत पावरफुल एल्गोरिदम है, रेयरली यूज होता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पड़ती है तो इसको यूज करना ही पड़ता है। ओके, तो देखो हमारे सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इमेजिन यू आर वर्किंग फॉर एन ई कॉमर्स कंपनी एंड द मार्केटिंग टीम वांट टू टारगेट कस्टमर मोर इफेक्टिवली बाय क्रिएटिंग द सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर परचेसिंग बिहेवियर, जैसे कि हमने पिछले 2-3 वीडियोस पे देखा। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हो आप कि एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम किस तरह से अलग अलग मॉडल, अलग अलग एल्गोरिदम का यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट आउटपुट सबका अलग अलग है, क्योंकि आपको डिजायर्ड करता है कि आप क्या रिजल्ट चाहते हो, आपका पैटर्न कैसा है किसी प्रॉब्लम को समझने का, ये उस पर डिपेंड करेगा। मेरा काम यह है कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे के सारे मॉडल बता सकूं, ताकि आप बेस्ट मॉडल को उसमें से चूज कर सको। ओके, सो इसमें बेसिकली क्या है क्वेश्चन में कि हाउएवर ट्रेडिशनल सेगमेंट मेथड आर नॉट प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। ठीक है, इसलिए हमको परचेसिंग बिहेवियर के बेसिक पे कुछ रेडी करना है। तो सॉल्यूशन इसका सिंपल है कि आपने डीबी स्कैन जो एल्गोरिदम है इसका यूज करना चाहा है, ताकि आप क्या कर सको, क्लस्टर्स को इस डेटा सेट पे आइडेंटिफाई कर सको कि कौन से क्लस्टर का जो परचेसिंग पैटर्न है वो सेम है, और जो जो वैल्यूज का परचेसिंग पैटर्न, जो जो कस्टमर का परचेसिंग पैटर्न सेम रहेगा, उसको आप एक क्लस्टर को बिलोंग कर दोगे। सिंपल, ठीक है। अब ये समझना है कि यार ये डीबी स्कैन होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, बेसिकली मैं लिखना भूल गया। देखो डीबी स्कैन बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी बेस्ड, ABASE बेस्ड स्पेशल AL क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइस, ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, मैं लिखना भूल गया था, तो इतना बड़ा किसी को याद नहीं है, इसलिए इन्होंने एक छोटा सा नाम दे दिया डीबी स्कैन। ठीक है, ओके, तो हम इसी लाइब्रेरी को यूज करेंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे, ये आपके नॉलेज के लिए मैं बस बता रहा हूँ। ओके, अब आओ नीचे। ठीक है, अब बेसिकली हमको लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है इस पूरे के पूरे सेगमेंट को लेके, हमारे पास डेटा भी नहीं है, डेटा भी अपन क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम तो आप कर लो इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी, जो कि सब में लगेगा। ओके, देन इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में ये तो कर ही लेना, इन दोनों के बिना काम होना ही नहीं है। ओके, तीसरा फ्रॉम एस के लर्न, ओके एस हो गया, सॉरी एस के लर्न, इसके पास से मैंने आपको बताया था, आपको कोई भी डेटा को जब अपन बनाएंगे रैंडम के थ्रू तो उसको स्टैंडर्ड स्केलर कर लेना। ठीक है, ये लास्ट वीडियो पे भी अपन ने देखा है। तो सिंपल सी फ्रॉ प्री प्रोसेसिंग CESSING, इसके पास से आप इंपोर्ट कर लो स्टैंडर्ड स्केलर कैपिटल STANDARD, ओके स्केलर SCALER। ओके, उसके पास से अब हमको क्या करना है, जो हमारा डीबी स्कैन मॉडल है एल्गोरिदम है उसको यूज करना है। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगा, scikit-learn के क्लस्टर वाली लाइब्रेरी पे। ओके, फ्रॉम sklearn.cluster, यहाँ पर से मुझे इंपोर्ट करना है, कैपिटल में सब रहेगा DBSCAN। ठीक है, सिंपल। अब ऑप्शनल में आप क्लस्टर की बात कर रहे हो तो हमेशा मैटप्लॉटलिब या किसी विजुलाइजेशन का यूज कर लिया करो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप कैसा काम कर रहे हो। ठीक है, तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब के अंदर जो पाई प्लॉट है उसको कर लेता हूँ एज अ PLT। ठीक है, मैं एक बार शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, अगर और कोई लाइब्रेरी मेरे दिमाग में होगी तो अपन बाद में यूज कर लेंगे, फिलहाल जो दिमाग में था वो इतना ही था। ठीक है, विदाउट एनी एरर ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मेरा काम है डेटा बनाने का। ठीक है, तो डेटा बना लेते हैं बढ़िया सा, कुछ सैंपल डेटा जनरेट करते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले तो NP रैंडम डॉट सीड इज इक्वल टू 42, ये तो कंपलसरी है ना। अब इसके बाद में कुछ
सेम फीचर वाले डेटा बनाते हैं जैसे अपन ने लास्ट बार किया था, ठीक है। डेटा इज इक्वल टू एनपी को बोलता हूँ भाई रैंडम अंकल को कॉल करो और रैंड को लो, ओके, और यहाँ पर मुझको लगभग 100 सैंपल दे दो, ओके, जिसके में हर एक के में दो फीचर रहेंगे, ठीक है, सिंपल, बाद में अपन इसको रिप्लेस कर लेंगे, ओके, 100 सैंपल दो फीचर, ओके। अब आओ शिफ्ट एंटर, मैंने डेटा पे सेव कर दिया ये जो रैंडम में आया है, ओके। अब मुझको क्या करना है, स्टैंडर्ड स्केलर का यूज़ करके इसको स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है। तो एक स्केलर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और ये जो स्टैंडर्ड स्केलर भाई साहब हैं इनको हम उठाते हैं यहाँ से, फंक्शनाइज करते हैं और स्केलर में इसको सेव करवा देते हैं, ठीक है। अब ये जो स्केलर है जो हमने नया बनवाया है, यहाँ पर हम ये जो डेटा है हमारा इसको इसको फिट ट्रांसफॉर्म कराते हैं, ठीक है, फिट ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM, क्यों, ताकि ये स्टैंडर्डाइज हो जाए, जो डेटा है हमारा रैंडम वाला वो स्टैंडर्डाइज हो जाए। और क्या करेंगे, डेटा, ठीक है, और इसको मैं ना एक स्केलर नहीं, सेम नाम हो जाएगा, एक डेटा अंडरस्कोर स्केल्ड नाम से मैं सेव करवा देता हूँ, ठीक है, ओके, शिफ्ट एंटर मैंने दबा दिया, रन कर दिया मैंने इसको, ओके, विदाउट एनी एरर, ओके है। अब क्या करना है, ये डेटा हमारा बन गया, ठीक है, अब मुझे इस डीबी स्कैन में इस डेटा को फिट करना है ताकि मैं अपना मॉडल वाला काम कर सकूं, ट्रेनिंग टेस्टिंग वाला काम कर सकूं, ठीक है। तो ये अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, क्योंकि हम कुछ कुछ आर्गुमेंट, कुछ कुछ पैरामीटर का भी यूज़ करेंगे जो फर्स्ट टाइम आप देखोगे डीबी स्कैन का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ अप्लाई डीबी स्कैन, ठीक है, अपलेट हो गया ये, अप्लाई डीबी स्कैन, डीबी स्कैन नाम से ही एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और डीबी स्कैन भाई साहब को बोलते हैं, यहाँ से अपन ने उठाया, याद रखना कैपिटल रहेगा ये, ठीक है, लाइब्रेरी, डीबी स्कैन भाई साहब को हम बोलते हैं कि भाई आपके मॉडल में हमको कुछ कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, आपके मॉडल से मतलब डीबी स्कैन से हम कुछ कुछ पैरामीटर्स, कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट को एक्स्ट्रा उठाएंगे और उसको डीबी स्कैन में सेव कर देंगे, फिर इस मॉडल के थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, डेटा को फिट करेंगे उसके अंदर, फिट प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो डीबी स्कैन, इसके पास एक ईपीएस होता है, ओके, इसको मैं कर देता हूँ 0.3। ईपीएस क्या होता है, ईपीएस मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सैंपल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब दो सैंपल के बीच में जो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो हमने लिया है 0.3, मतलब 30%, ओके, ठीक है। ये क्लस्टरिंग की बात कर रहे हैं ना हम, अभी आपस में वेरिएंस होना चाहिए, उसके लिए हमने ईपीएस लिया है 30%, दो सैंपल के बीच में कितना होना चाहिए, 30% होना चाहिए, ठीक है। यहां मैं कॉमा लगाता हूं और एक और लेता हूं, मिनिमम सैंपल, मिनिमम सैंपल हम लेते हैं 5। मिनिमम सैंपल क्या हुआ, मतलब ये एक तरह से बोलो कि 5 सैंपल ले रहे हैं आजू बाजू से, जो भी डेटा पॉइंट रहेंगे उनके आसपास से 5 सैंपल उठाएंगे, ठीक है, और वो उनका कोर पॉइंट रहेगा, ठीक है, मतलब समझ लो 5-5-5-5 सैंपल, 30-30% का गैप क्लस्टरिंग के लिए, इस तरह से कुछ, ठीक है। और ये हमने डीबी स्कैन को बोला है, आप ये अपने डेटा को इस कंडीशन पे लाके, मतलब अपने मॉडल को डीबी स्कैन पे सेव कर दो, ताकि हम अपने मॉडल को इसमें रन कर सकें, ठीक है। ये डीबी स्कैन पे सेव हो गया फाइनली। अब मैं डीबी स्कैन को बोलता हूँ, स्मॉल वाला डीबी स्कैन, ऊपर वाला, क्योंकि ये सेव हुआ है, कि भाई फिट कर देना और प्रिडिक्ट कर देना, ठीक है, किसको, इसको, ये जो डेटा हमारे पास नया वाला आया था इसमें, ओके, और इसको क्या करो, एक क्लस्टर नाम से इसको, क्लस्टर्स नाम से इसको सेव कर दो, ओके, मैं इसको शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, फाइनली ये क्लस्टर में जाके सेव हो गया, क्लस्टर को प्रिंट नहीं करेंगे अभी अपन, ठीक है। और अब इसको एक बार विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ
VIZU LIZE विजुलाइज करते हैं। PLT अंकल को बोलते हैं, PLT भाई स्कैटर प्लॉट को कॉल करो। जब भी आप डेटा पे खेलते हो ना, डेटा पॉइंट्स पे हमेशा स्कैटर का ही यूज़ करना। स्कैटर प्लॉट में आप बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब उसको अलग अलग वेरिएशन पे डिवाइड कर सकते हो, क्लस्टरिंग कर सकते हो। जब आप कहीं दिखाते हो ना, मतलब विजुलाइजेशन पे, स्कैटर प्लॉट को मैं अभी तक बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब नॉर्मल है, ये सब कैटेगराइज वाइज है। अनसुपरवाइज लर्निंग में स्कैटर जो है ये सबसे बेहतरीन काम करता है, हमेशा ध्यान रखना। तो स्कैटर प्लॉट पे ही मास्टरी करना है आपको, ओके। तो PLT स्कैटर, इसके पास में मैंने किस नाम से सेव किया है डेटा को, डेटा नाम से ही सेव है ना। तो यहाँ पे डेटा के पास में, यार ये इसको हटाना पड़ेगा, रुको ऐसे, पूरे डेटा, ओके, देन फर्स्ट, ओके, उसके बाद फिर से डेटा, देन फिर पूरे डेटा, पहला वाला फीचर, ठीक है। ये इसका बताने की ज़रूरत नहीं, ये मैटप्लॉटलिब पे मैंने आपको पूरा बताया हुआ है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा, क्योंकि दो फीचर हो गया, तीसरा था हमारे पास में जो हम डिवाइड करेंगे, तो मतलब सी, तो क्लस्टर्स, ये वाला जो मॉडल आएगा आउटपुट, ओके। मैं इसको समझा देता हूँ, मैं पूरा लिख लेता हूँ पहले, और ये हमने किया भी हुआ है लास्ट में, है ना। और इस पर कर लो आप विड्स, VIRIDIS, ओके, ताकि कलरिंग प्रॉपर दिखे। और इस बार क्या करो, मार्कर को कर दो, ओके, अरे यार, ओ सॉरी, ठीक है। और लेता हूँ मैं 50, ठीक है, ओके। अब मैं ये समझा देता हूँ कि ये बेसिकली हमने किया क्या है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों फीचर है, ये पहला वाला फीचर, ये दूसरा वाला फीचर, ठीक है। दो फीचर अपन ने ऊपर लिया था ना, वो दोनों फीचर है ये, ओके। सी क्या है, सी है क्लस्टर्स हमारा, है ना, मतलब जो डेटा पॉइंट है वो क्लस्टर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको कलरिंग करेंगे, है ना। क्लस्टर लेवल के बेसिस पे हम अलग अलग कलरिंग करेंगे, इसलिए हमने कलरिंग वाला पार्ट को बोला है कि क्लस्टर के बेसिस पे आप अलग अलग कलरिंग करना, ओके। उसके बाद वेडिस, वेडिस क्या हुआ, रेनबो के जैसे काम करेगा, मतलब अलग अलग कलर, ठीक है। कौन सा कलर, तो वेडिस कलर, अलग अलग कलर, ओके। और मार्कर हमने क्यों लिया है, मार्कर मैंने ओ लिया हुआ है इसलिए क्योंकि मैं सर्कल चाहता हूँ, जो डेटा पॉइंट है ना, मार्कर स्टाइल पे मैं सर्कल लाना चाह रहा हूँ बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे 0 लिया है। और ये जो S=50 है, ये मार्कर का साइज है, आप इसको 100 कर लो, 200 कर लो, बहुत बड़ा हो जाता है वो इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे R&D कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये मार्कर साइज है, ये मार्कर है, सिंपल है, ठीक है। मैं आता हूँ नीचे, अब अगर मैं यहाँ शिफ्ट एंटर करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो ऐसा कुछ ये बन के आता है, लेकिन ऐसे में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो मैं हमेशा करता हूँ वो ये है, PLT.title ले लो, टाइटल ले लो आप, DBScan क्लस्टरिंग पहला, फिर PLT को बोलो, PLT एक्स लेबल जो है ये आपका हो जाएगा FEATURE फीचर 1, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपने किया क्या, नहीं तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, अरे यार मैंने कहाँ पर X लिया था, कहाँ पर मैंने Y लिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को एकदम पहले दिमाग में सेट कर लिया करो, फिर आपको काम करना है। Y लेवल को मैं ले लेता हूँ, सॉरी, फीचर सेकेंड कैपिटल, नहीं तो अजीब सा दिखेगा। और अब सीधे PLT को बोलता हूँ, भाई शो हो जाओ, ठीक है। ये आ गई क्लस्टरिंग, मैं थोड़ा सा इसको अनज़ूम कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। आप देखो, हमने वो जो ध्यान है 30% लिया था हमने, प्लस हमने 5 लिया था वहाँ पर, ध्यान है ऊपर में,
ये देखो मिनिमम सैंपल ईपीएस आप उसको यहाँ से रिलेट कर सकते हो। डिस्टेंस डिस्टेंस नंबर ऑफ सैंपल आप देखो कितना खुला 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 अलग 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 अलग। अब जो भी सिमिलर पैटर्न मतलब जिस कस्टमर का परचेसिंग पैटर्न जो है वो सिमिलर है वो डेटा पूरे अलग हो गए। इस समूह का पूरा परचेसिंग पैटर्न अलग है, ये चार का परचेसिंग पैटर्न पूरा अलग है, ठीक है। और एक मिनट ये मेरे पास लग रहा है वो चला गया है। ओके एक ऐप था मेरे पास जिसमें मैं इसमें ऐसे ड्राइंग कर सकता था, वो शायद हट गया है। ओके इस पूरे भाग का पूरा अलग है और ये जो ब्लू वॉयलेट टाइप में है ये सब सेम परचेसिंग पैटर्न वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लस्टरिंग जो है ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से एक बार और कर देता हूँ यहाँ पे, इसको और प्लस करो, ठीक है। क्योंकि मैं और एनालिसिस बचा है इसमें वो भी दिखा देता हूँ। तो इसको पहले हमको पूरे डेटा फ्रेम में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पीडी को बोलते हैं, पीडी भाई डेटा फ्रेम को कॉल करो, एक काम करो इसको मैं पूरे को ना पहले एक रिजल्ट अंडरस्कोर डीएफ ऐसे करके सेव करवा देता हूँ, ठीक है। और पीडी डेटा फ्रेम को मैं बोलता हूँ कि भाई एक डिक्शनरी का यूज़ करो और वो जो पहला वाला फीचर दूसरा वाला फीचर था और तीसरा वाला जो भाग था हमारा क्लस्टर वाला, इसको हमको शो भी करना है ना। तो एक काम करते हैं कि पहले वाले को ले लेते हैं हम FEATURE फीचर नंबर 1। ओके ये हमारा हो गया सेम, ये उठाना है एक्चुअल में यहाँ से। तो ओके ठीक है ये यहाँ पे आ जाओ और इसको करो डेटा 0। अच्छा ऐसे कॉपी पेस्ट करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ फीचर। ओके और ये देखो यहाँ पे ये एरर आ जाता, अभी अभी एरर आता है यहाँ पे ये। ओके लास्ट टाइम यही प्रॉब्लम आई थी और फिर से एरर आता। यहाँ पे करो डेटा कॉमा 1। ओके पूरा हम डेटा ले रहे हैं। तीसरा फीचर फीचर नंबर 1 था, ये फीचर नंबर 2 था, ठीक है। देन पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ फीचर की ज़रूरत तो नहीं ना, क्लस्टर आएगा यार, CLUSTER। क्लस्टर्स क्या है हमारा, क्लस्टर्स में लास्ट में S है ना, यस लास्ट में S है। ओके इसको ना मैं नीचे करता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। ओके ये हटो और ये आपका हो गया CLUSTERS। एक मिनट का स्मॉल है ना, यस स्मॉल है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है नहीं तो फिर एरर आएगा और फिर हम लोग उसको ट्रबल शूट करेंगे, ठीक है। ये हो गया फाइनली, मैंने रिजल्ट डीएफ में इसको सेव करवा दिया है, एरर नहीं आना चाहिए। छोटा छोटा होगा तो कॉमा वामा का ही होगा। ओके ठीक है अब क्या करते हैं, बढ़िया सा कुछ डिटेल ले लेते हैं है ना, फिर उसको टेस्ट भी कर लेंगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ प्रिंटिंग पहला, तो प्रिंट करता हूँ लेट से नंबर ऑफ क्लस्टर, ठीक है ये मैंने पहला दे दिया। दूसरा नहीं कॉमा, तो इसको मुझको इसके अंदर लेना पड़ेगा। ओके नंबर ऑफ क्लस्टर, उसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी NP, अदरवाइज ये मिक्स हो जाएगा, यूनिक CLUSTERS, ठीक है।
हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर को और उसके साइज को ना एक साथ प्रिंट करने का चल रहा है मेरे दिमाग में। तो एक तो ये हो गया, दूसरा प्रिंट साइज ऑफ क्लस्टर, ईच क्लस्टर करो इसको, ईच क्लस्टर, ठीक है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो रिजल्ट df है उसको प्रिंट कर देंगे, ये ऊपर वाला, ओके, result_df, उसका जो क्लस्टर था, मतलब ये वाला पार्ट, ये कैपिटल वाला, स्मॉल वाला नहीं, ये तो इसके अंदर सेव हो गया है क्योंकि, तो हमको ये वाले कॉलम को usTER हमको प्रिंट करना है, जिसमें से कितने क्लस्टर हैं, तो इसको हमको वैल्यू काउंट करना पड़ेगा, value_ounts वैल्यू काउंट्स, ठीक है, एंटर, ये आ गया आपका, ओके, 8 क्लस्टर्स हैं, नंबर ऑफ क्लस्टर इतने हैं, ये देखो टोटल ये आ गया, कितने अलग अलग डिवाइड होके ये पूरा आपके सामने है, इसको आप विजुलाइज करना है, विजुलाइज कर सकते हो, यही वाला डेटा है, इसी डेटा को हमने बस प्रिंटिंग रिपोर्टिंग टाइप में कर दिया है। जैसे ये -1 वाला 52 है, तो ये 52 वाला क्लस्टर मेरे ख्याल से ये वाला होगा, ये जो है ना वॉयलेट है ना। अब जैसे 1, 2, 3, 4, 5 वाला देखो कौन सा है, 5, ये दोनों में से कोई एक होगा, वो यहाँ से उसको देखना पड़ेगा कौन सा, ये 4 वाला है ना, 5 वाला है ये, 0.5 ये वाला क्लस्टर है वो, ठीक है। तो ये जो ऊपर था वही हमने नीचे कर दिया ताकि अच्छे से एनालिसिस हो पाए इसका, क्योंकि स्कैटर प्लॉट पे एनालिसिस करने में दिक्कत होगी ना, आपके पास वैल्यू चाहिए, आपको न्यूमेरिक चाहिए, तब तो आप एनालिसिस कर पाओगे। तो ये हो गया, अब अगर मैं एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, यूजर इनपुट हमने नहीं लिया है ना अभी, यूजर इनपुट बचा है, कि मैंने बोला है मैं दिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा, तो इसको क्या करते हैं, मॉडल की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, सेम यूजर इनपुट है ना। तो एक यूजर इनपुट नाम का ही वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, मुझे पसंद है ये, एनपी को बोलता हूँ, एनपी भाई एरे अंकल को कॉल करो, और क्योंकि मुझे फीचर्स पे खेलना है तो फीचर्स पे 0.6 ले लेते हैं और 0. कुछ ऊपर का ले लेते हैं, 7, 8 ऐसा कुछ ले लेते हैं, तो 0.6 ले लो और 0.7 ले लो, ठीक है। ले अरे यार ये 2D पे जाएगा, 2D पे जाएगा, अदरवाइज ये एरर आएगा फिर से, दो डेटा पॉइंट है ना, ठीक है। अब ओके, यूजर इनपुट हो गया, फाइनली स्केलर को बोलता हूँ, हमने स्केलर नाम से सेव किया ना, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे ऊपर आके बहुत दिक्कत होगी। मॉडल किस पे सेव है, स्केलर पे सेव है, ये तो डेटा है फिट करने के बाद, ठीक है, तो एक एक चीज को याद रखना, नीचे आओ, स्केलर, ओके, स्केलर को मैं बोलता हूँ, स्केलर भाई ट्रांसफॉर्म करो, स्टैंडर्डाइज करो, TRANSFORM, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करो किसको, ये जो यूज़र इनपुट जो बंदा है इसको, जो यूज़र इनपुट हुआ है इसको, और इसको क्या करो आप, एक यूज़र इनपुट स्कैड इस नाम से सेव कर दो, ठीक है, और नीचे आ जाओ, और क्या करो, हमने क्या लिया है भाई, नाम क्या था उसका, हमने स्मॉल डीबी स्कैन लिया है ना, स्मॉल डीबी स्कैन, ओके, नीचे आता हूँ, मुझे ना 2-3 स्क्रीन चाहिए ऐसे यहीं पर, ताकि और अच्छे से दिखाते बने, तो
डीबी स्कैन को हम बोलते हैं, डीबी स्कैन मॉडल मेरे भाई प्रिडिक्ट कर दो। अगर ये प्रिडिक्ट काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, फिट प्रिडिक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो नया वाला हमने यूज़र इनपुट स्केल लिया ना, स्केलिंग के बाद जो डेटा हमारे पास आया, इसकी हमको मॉडलिंग करनी है। और क्या करना, आप इसको ना एक यूज़र क्लस्टर नाम से सेव कर देना, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तब एक मैसेज प्रिंट करना कि यूज़र इनपुट बिलोंग्स टू क्लस्टर, कौन सा वाला क्लस्टर, कॉमा, ये जो मैसेज में आएगा ये वाले क्लस्टर को कस्टमर को आप दिखा देना, ठीक है। इंडेक्सिंग जीरो, ओके, सिंपल, ओके। अब मैं अगर इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ओके ओके। ये हमारे पास फिर से एरर आया, डीबी स्कैन प्रिडिक्ट नो एट्रीब्यूट, वही वाला एरर है लास्ट टाइम वाला, ठीक है। मुझे यहाँ पर इसको फिट प्रिडिक्ट करना पड़ेगा तब भी ये एरर आएगा, ठीक है। तो इसको आप वीएस कोड में रन करके देखना, ओके, फाइनली देखो इस पे ये काम कर गया, लास्ट वाले में काम नहीं कर रहा था, है ना। तो फिट प्रिडिक्ट का आप यूज़ करना ये वाले पे, डीबी स्कैन पे, ठीक है। क्या बहुत सारे वर्जन्स जो हैं अपग्रेड होते रहते हैं, तो जब हमने यूज़ किया था ना उस समय केवल प्रिडिक्ट चलता था, अभी अभी मुझको पता चला है कि फिट प्रिडिक्ट अब लगने लग गया है उसकी जगह पे, ठीक है। तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, हर इंसान सीखता है, देखो मैं भी नई चीज़ सीखा आज, ओके। सो देखो अब इसमें क्या दिया है, द यूज़र इनपुट बिलोंग टू माइनस वन क्लस्टर, मतलब ये जो यूज़र इनपुट है ये किस क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है, माइनस वन कौन सा क्लस्टर था, ये वाला। और ये वाला कौन सा क्लस्टर है, वॉयलेट वाला, ध्यान है आपको, ये देखो ये वाला क्लस्टर है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सिंपल सा एक मॉडल है जो हमने डीबी स्कैन के थ्रू बनाया है। डीबी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको याद रखे रहना हमेशा, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग फॉर एप्लीकेशन विद नॉइस, ठीक है। तो जैसे हमने क्लस्टरिंग पे बहुत सारे मॉडल्स को देखे ना, ये भी एक मॉडल है, और ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, ये भी बहुत अच्छा है। रेयरली लोग इसलिए यूज़ करते हैं ना, क्योंकि क्या होता है कि क्लस्टरिंग में ऑलरेडी जो स्टार्टिंग के मॉडल हैं वो बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं, तो ये सब जो मॉडल्स हैं ना, इन सबको लोग यूज़ करते ही नहीं है, गलती वो है, बल्कि इन सब में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनको यूज़ करना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ यूज़ करना, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ इनसे मॉडल के बारे में, क्योंकि हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस पे ले आओ, मेरे कलीग्स जो हैं, मेरे ऑफिस स्टाफ जो है वो यूज़ करता है, मैं उनको फोर्स करता हूँ यूज़ करने के लिए, नहीं है तो आप पढ़ो, नहीं है तो देखो मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ो लेकिन उससे करो, उससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, मॉडल सटीक काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो चलो लेक्चर ख़त्म करते हैं मैं ज़्यादा नहीं बोलता। ये मॉडल में अगर कोई दिक्कत है इस एल्गोरिदम में तो मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, मैं इंस्टेंटली उसका जवाब दूंगा, ठीक है। वैसे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, फिर भी कुछ होती है तो मुझे बताना, ठीक है। चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को, ओके बाय।